अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों को परफेक्ट पेइंग स्केल के मुताबिक वो बातें बताऊंगा जो कि ये इस्तेमाल कर रहे हैं उनको लाजमी पता होनी चाहिए, यानी ऑपरेटर गाइड। तो ये जो स्केल है ये 10 kg/1 gram में चलता है, इसमें 4.5 volt की बैटरी लगती है और ये एक्सटर्नल चार्जर से जो है इसकी बैटरी चार्ज होती है। इसमें स्टोरेज के ऑप्शन है, जो भी जैसे आप यूनिट प्राइस लिखते हैं, जैसे कोई भी आप 100 rupees/kg है तो आपने यूनिट प्राइस लिखी, तो आप जो भी जैसे ये 42 gram है तो उसके टोटल प्राइस आपको ये बता देता है कि टोटल प्राइस इसकी 4.20 है। तो ये इसमें ऑप्शन है कि आप प्राइस वगैरह भी इसमें लिख सकते हैं, और उसके अलावा कई इंडिकेटर में ये ऑप्शन नहीं होती कि आप प्राइस इसमें जैसे 1000 लिखना चाहते हैं तो इसमें अभी 100 लिखी जा रही है। तो इसका हमारे पास अगर आप मैनुअल आप हमारे से लेंगे तो उसमें आप 1000 भी लिख सकते हैं, यानी ये पॉइंट यहाँ पर भी आ सकता है। उसके अलावा 10000 भी आप इसमें लिख सकते हैं, ये वो सारी इसके ऊपर भी मेरी एक वीडियोस बनी हुई है कि आप क्या कहते हैं यूनिट प्राइस का जो डेसिमल पॉइंट है वो किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, उसके ऊपर भी एक मेरी वीडियो बनी हुई है। उसके अलावा इसमें मेमोरी की ऑप्शन भी है कि जैसे अभी आपने मैंने 100 rupees लिखा है, अब कई दूसरी चीज़ आती है वो 200 rupees की है तो अभी हमें पूरा यानी दोबारा लिखना पड़ता है, लेकिन अगर आप ये स्टोर कर लेंगे मेमोरी 1 के अंदर 2 के अंदर या 3 के अंदर आप सेव कर लेंगे तो वो भी आपने सिंपल M1 का बटन दबाना है। अभी M1, M2, M3 के ऊपर 0 शो हो रहा है, तो अगर इसके ऊपर ही मेरी पूरी एक वीडियो बनी हुई है कि मेमोरी 1 के अंदर आप कैसे सेव कर सकते हैं, 2 के अंदर कैसे सेव करके, 3 के अंदर कैसे सेव कर सकते हैं, वो सिंपल आपने 1, 2 और 3 करेंगे तो इसके अंदर मेमोरी की भी ऑप्शन है, वो भी आप सेव इसमें करवा सकते हैं। उसके अलावा इसमें एक लाइट की ऑप्शन है कि लाइट अगर आपने आप कहते हैं कि अगर ऐसे ही आप वेट शो करना है और लाइट आपने कम करनी है या थोड़े ही ज़्यादा करनी है या ऑन ऑफ करके लाइट भी आप कर सकते हैं ताकि आपकी बैटरी बैकअप जो है वो ज़्यादा हो जाए। अगर कोई भी आप इसके ऊपर वजन करते हैं तो ये आप देख सकते हैं कि ये लो इंडिकेशन की भी इसमें ऑप्शन है। उसके अलावा ये अगर वेट स्टेबल हो जाएगा तो ये अभी स्टेबल की इंडिकेशन दे रहा है। उसके अलावा अगर आप ज़ीरो करते हैं, कोई भी चीज़ ज़ीरो करते हैं तो आप ये देख सकते हैं कि स्टेबल की भी इंडिकेशन ऑन हो गई है और स्टेबल की भी होगी और ज़ीरो की भी ऑन हो गई है। तो उसके अलावा इसमें अगर आप कोई भी चीज़ ऊपर रखते हैं तो ये वेट अभी स्टेबल की दे रहा है, अगर हम इसको टियर करते हैं तो ये टियर की इंडिकेशन ये शो कर रहा है कि इस टाइम ये टियर की टियर है। और उसके अलावा इसमें और क्या क्या फंक्शन है वो सारे फंक्शन मैं आपको बताता हूँ। अभी सबसे पहले टियर को मैं एक दफ़ा दोबारा कर लेता हूँ। और इसमें जो चार्जर लगता है इसमें पावर सप्लाई नहीं लगती, इसमें सिंपल ये चार्जर के थ्रू आप इसको चार्ज कर सकते हैं। अक्सर होता है कि जब हम 220 वोल्ट के ऊपर चार्ज करते हैं तो 220 वोल्ट के ऊपर चार्ज करने के वोल्टेज अगर अप डाउन होते हैं जिसकी वजह से अंदर का ट्रांसफार्मर वगैरह जल जाता है, जिसकी वजह से इंडिकेटर ख़राब हो जाता है। लेकिन अगर ये चार्जर ख़राब होता है तो चार्जर उसका मेन किट ख़राब नहीं होती, ये चार्जर अगर आप सिंपल इसका 6 वोल्ट का चार्जर है वो चार्जर आप दोबारा नया ख़रीद के इंडिकेटर को आप चला सकते हैं। अगर वोल्टेज अप डाउन भी होते हैं तो ये इंडिकेटर ख़राब नहीं होता है। इसमें 220 वोल्ट से ये चार्जर को आप ऑपरेट कर सकते हैं। ये कैंसिल की ऑप्शन है कि जो भी आपने प्राइस लिखनी है, जैसे कि फर्ज करें मैंने 200 rupees लिखी, अगर ये गलत लिखा गया है तो ये कैंसिल की ऑप्शन है, सिंपल सी का बटन आप दबा के इसको कैंसिल कर सकते हैं। और ये बकाया जो 0 से लेके जो 9 तक कीज हैं वो सिंपल हैं, जो वो आपने प्राइस के लिए आप ये लिख सकते हैं, वो इस फंक्शन के लिए इस्तेमाल होती है। तो अगर आप लोग ये स्केल परचेज करते हैं तो ये सारी ऑप्शन के साथ आपको ये सारी ऑप्शन आपको मिलेंगी। ये सिंपल मैं आपको नीचे से भी दिखा दूँ, इसका पूरा व्यू दिखा दूँ। इसमें ये सिंपल बैटरी लगती है, यहाँ पर ये नीचे लोड सेल लगा हुआ है और ये ऑन ऑफ का स्विच है। यहाँ पे चार्जिंग के लिए इस्तेमाल होती है, 6 वोल्ट का चार्जर लगता है और ये ऑन ऑफ का स्विच आप ये दिया हुआ है। ये डब्बे में बॉक्स में जो है वो पैक आता है और बॉक्स में ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है 35 kg तक आप इसके ऊपर वेट कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म साइज भी आप लिखा हुआ है 30x13x30 cm का ये प्लेटफॉर्म साइज है। तो ये सारी इसमें ऑप्शन आपको मिलेंगी अगर ये आपने इंडिकेटर परचेस करना चाहते हैं। ऊपर हमारा नंबर दिया गया है, अच्छी कीमत में आप हमारे से ले सकते हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये कहता चलूं कि हमारे चैनल में हर तरह के वेइंग स्केल की कैलिब्रेशन, वेइंग इंडिकेटर की रिपेयरिंग, लोड सेल रिपेयरिंग, हर तरह के इंडिकेटर की कैलिब्रेशन, लोग वेइंग स्केल में किस तरह से चीटिंग करते हैं, वेइंग स्केल की प्राइस, और आप लोगों को वेइंग स्केल से रिलेटेड किसी किस्म का भी कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग हमारे से यहाँ पर पूछ सकते हैं। तो अगर आप लोग हमारे चैनल में न्यू हैं और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन के ऊपर फौरन क्लिक करें और साथ साथ बेल आइकन के ऊपर क्लिक करते हुए नोटिफिकेशन के ऊपर भी क्लिक करें। उससे ये होगा कि हम जो भी न्यू वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को फौरन मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आप लोगों को वीडियो से थोड़ा सा भी फायदा हासिल हो तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हम लोग जो आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं हमें पता लगे कि आप लोगों को इससे फायदा भी हो रहा है या नहीं। तो चलें दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं।